हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग है। मतलब आप सभी लोगों को याद होगा, एक वीडियो हम लोगों ने कवर किया था कि मोनोपोली स्टॉक्स कौन से है करके, मोनोपोली बिजनेस कौन से है करके। ठीक है, मोनोपोली का डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे कंपनियाँ जो अपने क्षेत्र में नंबर वन पोजिशन पर तो है, प्लस उन्हीं के पास अगर देखा गया तो बाजार का 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि मोनोपोली है मतलब नंबर वन ही होना चाहिए करके, तो ज़रूरी नहीं है भाई। अगर नंबर वन है एंड अगर आपके पास मार्केट शेयर केवल 30% है तो उसको उस लेवल की स्ट्रांग मोनोपोली नहीं बोली जा सकती। ठीक है, वो कंपनी कभी भी नंबर 2, 3, 4 नीचे चली जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, एसी सेगमेंट में देख लेना, इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में भी देखना, आपको वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें एकदम स्ट्रांग मोनोपोली। स्ट्रांग मोनोपोली मतलब ऑब्वियसली नंबर वन तो है ही, एंड क्यों ना हो, उनके पास मार्केट शेयर ही कितना है, 50% से ज़्यादा, कुछ कंपनी के पास 60% से ज़्यादा, कुछ के पास 70 और किसी के पास तो पूरा 100% भी है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है। कौन सी गलती? जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, लिखकर बोल रहा हूँ भाई, मोनोपोली होकर काम नहीं चलता है भाई। ठीक है, ये काफ़ी जो बिगनर्स होते हैं ये गलतियाँ कर लेते हैं, उनको लगता है मोनोपोली मतलब धाकड़ कंपनी है। नहीं, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं तो मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि M के साथ क्या होना चाहिए, M+G। यस, G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, एंड ग्रोथ मतलब क्या भाई, मैं नॉर्मल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, थोड़ी सी एबनॉर्मल ग्रोथ चाहिए, सुपर एबनॉर्मल ग्रोथ चाहिए, तब जाके वो कंपनी किलर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ठीक है, वरना क्या है, मोनोपोली मतलब क्या, वरना उसका ग्रोथ ही नहीं तो मार्केट ही सैचुरेट हो गया, वो कंपनी चलेगी बट कैसे चलेगी पता है, ऐसा, ये देखो लेफ्ट टू राइट जाएगी, ऊपर ऐसा रेंगते रेंगते रेंगते, कोई रिटर्न्स मतलब क्या, एवरेज ही रिटर्न्स बनेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, ठीक है, दो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि पैराशूट ऑयल। आप सभी लोगों को पता है ना, अरे हर किसी के घर में पैराशूट ऑयल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हमारे देश में अगर देखा गया तो इसको कौन सी कंपनी, ये ब्रांड को ओन करती है, तो मैरिको। आप सभी लोगों को पता ही है, मैरिको का चार्ट पैटर्न देखो कितना एवरेज परफॉर्मेंस होता है। क्यों, क्या मतलब देखा गया तो इसकी मोनोपोली नहीं है, प्योर मोनोपोली है भाई, कोई है ही नहीं इसके टक्कर में। एंड प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि ग्रोथ नहीं है भाई। ठीक है, पूरा मार्केट शेयर इन्हीं के पास पहले से ही पकड़ कर बैठा हुआ है, ग्रोथ होने के लिए स्कोप तो चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मान लो कि एक जगह पे 1000 लोग ही रहते हैं और उस 1000 में से अगर देखा गया 900 लोग आप ही का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंपनी के लिए बचे ही कितने लोग टारगेट करने के लिए, 100 लोग ही तो बचे हैं कि उनको कन्विंस करो और हमारी ओर खींच के लाओ, तो ज़्यादा स्कोप बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये इन कंपनीज का प्रॉब्लम है, इनके पास मोनोपोली है बट ग्रोथ नहीं है। और एक एग्जांपल बेस्ट, फेविकॉल, पिडिलाइट इंडस्ट्री। आप सभी लोग पता है अफलातून कंपनी, कोई खराब नहीं है बट वहाँ पे छोटा छोटा ही ग्रोथ है देखने को मिल जाता है, एवरेज ग्रोथ ही देखने को मिल जाता है, जो कि बुरी बात नहीं है। बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर ग्रोथ, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यस, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, M+G, आपको थोड़ा सा सुपर एबनॉर्मल ग्रोथ वाली कंपनीज को फिर देखना पड़ेगा। एंड मोनोपोली एंड अगर आपके पास ज़बरदस्त ग्रोथ है उस बिजनेस में, क्षमता है वो करने की, तो फिर वो कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भविष्य में दिखा सकते हैं। देखिए, गारंटी तो शेयर बाजार में होती नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बट वो बिजनेस को देखने का नज़रिया आप में होना चाहिए। तो ऐसे ही कंपनीज की लिस्ट अभी मैं आपके सामने रखूंगा, तो कंक्लूजन क्लियर हो गया ना, क्या है कंक्लूजन, कि M+G और G में भी यहाँ पे स्टार है। स्टार कौन सा है भाई, कि ज़बरदस्त ग्रोथ होनी चाहिए, छोटी सी 2-3% की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, फिर क्या फ़ायदा मोनोपोली होकर। ठीक है, अगर मोनोपोली है और अगर ज़बरदस्त ग्रोथ रहेगी तो मज़ा आ गया। आई होप अभी आप तक टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, तो ऐसी लिस्ट मैं आपके सामने रखूंगा। बट डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर करें भाई, कोई रिकमेंडेशन तो होता है नहीं, खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके। ठीक है, आपको पढ़ना है तो आप इन कंपनीज को पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट समझो, और ऐसे आपको बहुत सारी कंपनियाँ मिलेंगी। और ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। ठीक है, हर डिकेड्स की बात करें, 5 साल 10 साल में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई बिजनेसेस आते हैं, तो चीज़ें बदलती है, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहली कंपनी देख लीजिए, प्राज इंडस्ट्रीज। अभी प्राज इंडस्ट्री किस में काम करती है, एथेनॉल मतलब बहुत सारे इनके अलग अलग काम है, बट एथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन में 50% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। और ये सेक्टर भी कैसा है, ये ग्रोथ वाला सेक्टर है। ठीक है, तो वह M+G फॉर्मूला में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाती है, रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे में बहुत सारे कंपनीज है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत बार हम लोगों ने इसको वैसे भी कवर किया है, बट अगर कल जाके सरकार एथेनॉल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन डाल दे तो कंपनी की भाई बैंड ही बच जाएगी, इतना ही उन्होंने कैपेक्स करके रखा हुआ है इस सेक्टर में। तो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए। जो बिजनेस लेवल की स्टडी करता है ना भाई, वो एकदम सही डायरेक्शन में जाता है शेयर बाजार में, और जिसको बिजनेस से मतलब कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ प्राइस देखता है भाई,
कोई फ़ायदा नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों तो इंटर ग्लोब एविएशन, इंडिगो, ठीक है। अभी प्राज इंडस्ट्री भी हम लोगों ने देखा भाई, पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस एकदम, अभी ये रिटर्न्स देखकर आधे लोग सोचते कि निवेश करेंगे, ये ऐसा मतलब कच्चे अगर इन्वेस्टर बनोगे तो कैसा चलेगा। देन इंडिगो भी आप देख सकते हो 5 साल के हिसाब से, ठीक है, ये तो है तो बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट 1-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, बट फिर भी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इंडिगो का काम क्या आप सभी लोगों को बताइए, एयर ट्रैफिक में 63% का मार्केट शेयर डोमेस्टिक लेवल के इनके पास है, सो मोनोपोली एंड प्लस यस ग्रोथ हम लोग को धीमे धीमे देखने को मिल रही है, ठीक है। एयर पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले हम लोग को एविएशन मिनिस्टर देखने को मिलते थे, तो उन्होंने भी ये डेटा साझा किया था 2030 तक कितने लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे हम लोग को फ्लाइट से जाते हुए देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कि नहीं भविष्य में, तो डेफिनेटली इस कंपनी को एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ ये एयर टैक्सी को भी क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, अभी सफल होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट यस इसी प्रकार की चीज़ों में ये कंपनी काम करते हैं, तो ज़रूर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो MCX, यस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो ये भी ज़बरदस्त कंपनी। आप MCX मतलब कमोडिटी में अगर आपको ट्रेड करना है भाई, पूरा मार्केट ही इनके पास है 100%, आप देख सकते हो, करेंसी डेरिवेटिव हो, मेटल से रिलेटेड हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, प्रेशियस मेटल, स्टोन ट्रेडिंग, पूरा 100% ही लिखा हुआ है, ठीक है, और कोई है ही नहीं। सो डेफिनेटली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की भी अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे लोग कमोडिटी एक्सचेंज में भी ट्रेड करते हैं, वहाँ पे भी नंबर ऑफ संख्या बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप MCX को जरूर स्टडी वहाँ पे कर सकते हो। इक्विटी में क्या है, 2 प्लेयर है, NSE BSE है, ठीक है। कमोडिटी में देखा गया तो ये अकेला मस्त यहाँ पे इन्जॉय कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे कैम्स, यस कैम्स आप सभी लोगों को पता है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है भाई, एज अ रजिस्ट्रार 68% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो ज़बरदस्त ग्रो करेगी भविष्य में, और भी ग्रो करनी चाहिए, हम तो एकदम इनिशियल स्टेज पे ही है, भविष्य में ऐसा तो होगा ही ना, एकदम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हो सकता है, क्या पता है, इंडिया के 50% लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, क्वाइट पॉसिबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई कल जाके होने वाला है करके, या फिर 10 साल में भी होगा, नहीं, बहुत लंबे पारी की, तो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इससे जुड़ी हुई जो कंपनियाँ काफ़ी अच्छा कर सकती है, ठीक है। तो ये मार्केट से रिलेटेड वाली कंपनी है, जरूर यहाँ पे भी M+G का फॉर्मूला नजर आता है। देन CDSL की भी बात करें तो यहाँ पर भी है, हाँ अभी हम कह सकते हैं पहले तो इसमें ग्रोथ का स्कोप बहुत ही ज़बरदस्त था, अभी भी देखा गया लॉन्ग रेंज में काफ़ी स्कोप बाकी है, जिस प्रकार का हमारा पॉपुलेशन है उस हिसाब से देखा गया तो 10% के आसपास अभी हम लोग देख रहे हैं डीमैट अकाउंट की संख्या, आगे भविष्य में और भी बढ़ सकती है, तो ज़रूर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। 76% डिपॉजिटरी का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, KYC रजिस्ट्रेशन की भी अगर हम लोग बात करें तो 65% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, ठीक है। हाँ बट हम कह सकते हैं थोड़ा सा ग्रोथ का स्पीडोमीटर इनका थोड़ा लो हुआ है, बट कोई ख़त्म नहीं हुआ है, सो आप CDSL को भी स्टडी कर सकते हैं। बट आपको बताइए इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, बाजार भागेगा तो ये भी भागते हैं, यूजुअली बाजार कोलैप्स हुआ तो भाई ये भी कोलैप्स हो गए, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हो कि निफ्टी भविष्य में कभी तो लॉन्ग रेंज में जाके 1 लाख का भी हो सकता है, ठीक है, सर आप मानते हो क्या, 100% मानता हूँ, निफ्टी इंडेक्स जाएगा भाई 1 लाख कभी ना कभी तो पक्का जाएगा, ठीक है, तो तभी जाके आप देख लेना, तो ये कंपनियां भी आपको काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को आप मिल जाएंगी। देन अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा अभी रिस्की कंपनीज की, तो रिस्की कंपनी में देखा गया तो असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड, इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती है ना उसका 75% कांच का काम इन्हीं के पास होता है, सो अगर गाड़ी सारे अगर हम लोगों को बदलते हुए देखने को मिलेंगे, नए मॉडल्स आते हुए देखने को आपे मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। बट जितने भी अभी मैंने कंपनीज की बात करूंगा मैं इस वीडियो में, सबसे ज़्यादा रिस्की यही है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कंपनी कैसा करेगी करके, कभी भी उड़ भी सकती है, लिटरली ये सबसे 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 ज़्यादा खतरनाक कंपनी है, बट फिर भी मोनोपोली तो है इनके पास। देन अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसी कंपनियाँ जो लॉन्ग रेंज में प्ले कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि उनके बिजनेस का नेचर ही वैसा है, एंड यहाँ पे जो आगे की कंपनी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इफ बट तो बहुत है, बहुत मतलब सरकारी कंपनी है ये। देखिए सरकारी कंपनियाँ खराब नहीं होती, इनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि देखो कोई अगर कंपनी एक प्राइवेट है वहाँ पे जो ओनर रहता है ना भाई वो सालों साल वही रहता है, ठीक है, उसका विजन, उसका मिशन, उसने पहले जो बोला रहता है कि भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस स्टेट में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपांशन करेंगे, अभी हम विदेश में जाएंगे, वो वही रहता है सालों साल वही रहता है, ठीक है, हो सकता है उसके बच्चे भी उसी चीज़ को, उसके विजन मिशन को फॉलो करें, मैच करें, बट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या होता है, यस गवर्नमेंट बदलती है भाई, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि लाइफ टाइम यही गवर्नमेंट है, बदलता रहता है, आज ये है कल कोई और रहेगा, फिर कोई और रहेगा, फिर कोई और रहेगा, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी में कि जो नया व्यक्ति आता है वो उस कुर्सी के ऊपर जो बैठेगा भाई उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो देखना इंपॉर्टेंट बनता है। अगर उसका विजन और मिशन अर्लियर स्टेज से डिफरेंट हो गया तो फिर कंपनी की हालत फिर खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, वो देखना पड़ता है, फिर
विजन मिशन किस हिसाब से करके। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी में भी अगर आपको देखना है M+G के फॉर्मूले के हिसाब से, तो आप HL को देख सकते हैं। HL को तो हम लोगों ने पहले कितना जबरदस्त स्टडी किया था, ठीक है। अभी तो पूरे दुनिया बात करती है यहाँ पे, ठीक है। 100% मार्केट शेयर तो इनका फाइटर जेट में, स्वदेशी फाइटर जेट इन्हीं के पास है, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड भी। देन भारत डायनामिक भी है, मिसाइल बनाने वाली कंपनियाँ, तो ये भी इसी सेगमेंट में आती है। आप देख सकते हैं ना इनके कस्टमर, देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 66% बिजनेस वहीं से आता है, ठीक है। अगर मान लो कभी गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई दूसरी, और अगर उनका विजन अगर इतना स्ट्रांग नहीं रहा कि भाई मिसाइल विसाइल हम यहाँ से नहीं लेंगे, दूसरी जगह से लेंगे, तो भाई बैंड बच सकती है इनकी। तो ये जो बिजनेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो आप में होनी चाहिए, ठीक है, तो ही जाके आप इनके बारे में स्टडी करने का विचार कर सकते हो। देन माजगांव शिप बिल्डर्स, अभी MDL की अगर हम लोग बात करें, सबमरीन्स में ये कंपनी काम करती है, मोनोपोली इनकी, ठीक है। हमारे देश में और कोई इस लेवल पे और कोई काम नहीं करता है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। देन IRCTC, रेलवे टिकट बुकिंग की अगर बात करें, बैक एंड तो भाई इन्हीं के पास होता है, ठीक है। तो ये कंपनीज की अगर बात करें, देखो लॉन्ग रेंज में आपको बेनिफिट मिलेगा, कैसे लॉन्ग रेंज में, कितने 464% की रिटर्न, ठीक है। जो शॉर्ट रेंज में भाई उछल कूद मचाते रहते भाई, उनको तो मैंने काफ़ी बार बोला है, शेयर बाजार में अगर आना है तो लॉन्ग टर्म भाई खेलने का मन बनाकर ही आना है, तभी जाके पैसा बनेगा। अब बार बार उछल कूद करते रहोगे, एक दिन दो दिन, एक हफ्ता दो हफ्ता, एक महीना दो महीना, कुछ नहीं, डिस्टर्ब होते रहोगे। जो लॉन्ग रेंज में सही बिजनेस को पकड़ता है, ठीक है, जो मोनोपोली प्लस ग्रोथ वाली कंपनीज को देखता है और चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। हिचकोले तो आएंगे भाई बीच बीच में, तो भाई थप्पड़ तो पड़ेंगे ही, तो वो सहने की क्षमता होनी चाहिए। गिरावट क्यों हो रही है उसके पीछे जानने का रीज़न समझ में आना चाहिए। बिजनेस लेवल पे अगर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है तो होल्ड करने का समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। ये जब आपको समझ में आ गया, मार्केट आपके लिए काफ़ी सिंपल हो सकता है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो दोस्तों इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता, ऐसे अलग अलग टाइप के वीडियोस में एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड आप लोगों के सामने लाते रहता हूँ, ताकि आप भी पढ़ो। अगेन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये सिर्फ इतनी कंपनियां नहीं, आपको मोनोपोली के इसमें आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, तो आप जैसे चाहो अपने हिसाब से भी स्टडी कर सकते हो और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। ये वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।